गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन दिस इज मी शाइनी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा नायका हॉल और मैंने नायका से काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। सो आप लोग इस हॉल को अच्छी तरीके से देखिए और आप लोग उसके बाद ये डिसाइड करना कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए और जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल रिव्यू चाहिएगा वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो मॉनसून के लिए परफेक्ट है, समर के लिए परफेक्ट है और मेरे ख्याल से विंटर्स के लिए भी परफेक्ट है। और ये है यार्डले लंदन का ये छोटू सा परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम। इसका जो प्राइस है वो है 70 रुपीज। तो मैंने नायका में से 70 रुपीज में ही खरीदा है। और ये जो वेरियंट है वो है ऑटम ब्लूम। सो मुझे ये वेरियंट काफी अच्छा लगा, बहुत ही फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल है इसकी, तो फ्लावरी भी है लेकिन ज़्यादातर ये फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बिल्कुल भी माइल्ड नहीं है। सो इफ यू आर अ माइल्ड परफ्यूम लवर देन ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है बिकॉज इसका स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हद तक ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर खरीदा है। ये मेरा सेकंड परचेज है बिकॉज मैं इसको ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ बिकॉज ये फेस को थोड़ा सा ड्यूवी लुक देता है और ये अफोर्डेबल भी है। सो मुझे ये अच्छा लगता है और ब्लू हेवन ब्रांड पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैंने इसे परचेज किया है। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने सनस्क्रीन खरीदा है। हालांकि अभी समर्स चले गए हैं, मॉनसून आ गया है, फिर भी सनस्क्रीन मेरे लिए 12 मंथ्स ही नेसेसिटी होता है। सो ये है लोटस हर्बल का सेफ सन SPF 40 वाला सन ब्लॉक और इसमें आपको UVA UVB प्रोटेक्शन मिलता है, PA++ का प्रोटेक्शन मिलता है और ये एक मैट लुक देता है। बट दिस कंटेन्स पैराबेन, बट फिर भी मैंने इसे खरीदा है बिकॉज मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बहुत ही ऑयली स्किन है और ज़्यादातर मैं दूसरे सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी स्किन और भी ऑयली हो जाती है, विच इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने से उतना ज़्यादा नहीं होता। और इसमें थोड़ा सा टिंट है, मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा इफेक्ट आपको देगा। इसका प्राइस है 395 रुपीज फॉर 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। मुझे ये काफी हद तक डिस्काउंट में मिल गया है और ये अच्छा है, बट इसमें पैराबेन है। सो आप एक बार देखिए कि अगर आपको पैराबेन फ्री सनस्क्रीन चाहिए तो आप इसे मत खरीदें, आप इस सनस्क्रीन को खरीद सकते हैं। ये है बायोटिक बायो कैरट SPF 40 वाला ही सनस्क्रीन, इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन आपको मिलेगा और ये एकदम स्मूथ टेक्सचर है, आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ऑयली भी बनाता है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है टीनेजर्स के लिए या कॉलेज या स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है और बायोटिक एक हर्बल ब्रांड है, सो केमिकल्स का भी कुछ डर नहीं है। सो आई थिंक आप लोग इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मॉनसून के लिए परफेक्ट खरीदा है और यह छोटू सा एक बॉडी वॉश, ट्रैवल फ्रेंडली है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, दैट्स वाई मैंने जो भी चीज़ें खरीदी है सारे ट्रैवल फ्रेंडली ही है। और यह है थिंक स्किन बॉडी वॉश, ये सिर्फ और सिर्फ आपको nykaa.com पर ही मिलेगा और अगर आप कुछ लोकल स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो आपको बिग बाजार में जाना पड़ेगा, बिग बाजार में ये अवेलेबल है। इसका प्राइस है 39 रुपीज़ फॉर 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत ही छोटू सा है और बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल इससे आता है, एकदम यू नो रिफ्रेशिंग एक कूलिंग सेंसेशन देता है और एकदम रिफ्रेशिंग स्मेल है, विच आई लाइक वेरी मच स्पेशल इन द मॉनसून सीजन। नेक्स्ट मैंने कुछ फेशियल रेजर खरीदा है, वो एक्चुअली आईब्रो रेजर है लेकिन मैं इसे फेशियल रेजर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ और ये टिंकल के आईब्रो रेजर्स है और ये 3 मिला मुझे 150 रुपीज़ में। अच्छा है, इसके ब्लेड्स भी अच्छे हैं, तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये फेशियल रेजर कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपने फेशियल हेयर या फिर आईब्रो हेयर से छुटकारा खुद से घर पर पा सकते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो करूँगी बिकॉज फेशियल रेजर्स के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आप को जानना है। सो बिफोर यूजिंग एनी फेशियल रेजर आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो करूँगी। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने एक मॉइस्चराइजर खरीदा है, ये मॉनसून या समर सीजन के लिए नहीं है, मैं हमेशा मेरे बैग में एक मॉइस्चराइजर कैरी करती हूँ बिकॉज उससे क्या होता है हैंड्स भी मॉइस्चराइज होते हैं और मैं फेस को भी मॉइस्चराइज कर सकती हूँ। यह है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, वेरी गुड लाइट मॉइस्चराइजर है लेकिन ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, 100 रुपीज़ के अंदर ही है। सो आई एम प्लानिंग फॉर अ मेकअप ट्यूटोरियल अंडर 100 रुपीज़, दैट्स व्हाई मैंने इसे मेनली परचेज किया है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन पीपल, फॉर नॉर्मल स्किन पीपल। सो यही था मेरा नायका हॉल और अगर आपको ये नायका हॉल अच्छा लगा और आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल रिव्यू चाहिए तो क्या करना है, कुछ नहीं बस कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।